नमस्कार, आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है बंगाली स्पाइस बॉक्स में। आज मैं बनाऊंगी दोई बोआल। दोई बोआल बनाने के लिए लगेगा बोआल मछली, लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक का पेस्ट, टमाटर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सरसों का तेल, प्याज का पेस्ट, शक्कर, नींबू का पत्ता, कटे हुए लहसुन, हरी मिर्च, दही, कटे हुए प्याज और तले हुए आलू। मछली के टुकड़ों को मैंने नमक हल्दी लगाकर तल के रखा है। तली हुई मछली के तेल में ही मैं दो मीडियम साइज के कटे हुए प्याज डालूंगी। मैंने पूरा ही डाल दिया। प्याज तल रहा है, अब मैं इसमें डाल दूंगी एक टीस्पून कटा हुआ लहसुन। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक टीस्पून अदरक का पेस्ट, एक टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन जब तक भुन रहा है, मैं इसमें डालूंगी तीन टीस्पून प्याज का पेस्ट। अब डालूंगी आधे टीस्पून से थोड़ा ज्यादा हल्दी पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा टमाटर कटा हुआ। एक कटोरी दही है मेरे हाथ में, इसे अच्छे से फेंट लिया। इसमें से मैंने तीन टेबल चम्मच दही ग्रेवी में डाल दिया। अब डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। एक चम्मच से कम नमक डाला मैंने, क्योंकि मैंने इसमें दही डाला है इसलिए दो टीस्पून शक्कर डाल रही हूँ। तले हुए आलू मैं इसमें डाल दूंगी। मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। मैंने हाफ कप पानी डाला है और साथ ही डाल दूंगी तली हुई बोआल मछली के पीसेस। इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च के निचले हिस्से को थोड़ा सा तोड़कर, तीन मिर्च। मैंने इसलिए निचले हिस्से को तोड़ दिया ताकि फ्लेवर अच्छी तरह से ग्रेवी में समा जाए लेकिन तीखापन ना आए। दोई बोआल तैयार है। गैस बंद करके लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें डालूंगी और वो है नींबू के पत्ते। मैंने नींबू के पत्ते डाल दिए। इसे ढककर दो मिनट बाद थोड़ा सा स्टर करके सर्व करूंगी दोई बोआल।